जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग अपने रिजल्ट को लेकर, नए सत्र के रजिस्ट्रेशन को लेकर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको लेकर आप काफी परेशान है, तो उन सबके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। कुछ कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, जिन कोर्सेज का रहेगा है कब तक आने वाला है, तो इन सब पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको लेकर। तो साथियों, जो सबसे ज्यादा परेशान है बच्चे, वो रिजल्ट को लेकर चिंतित है कि हमारा रिजल्ट कब तक डिक्लेयर किया जाएगा। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं, आपका जो बीएससी का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, बीएससी का फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि बीकॉम का, बीए का, जो बाकी कोर्सेज हैं उनका रिजल्ट कब तक आएगा, तो उनकी भी कॉपियां पूरी तरीके से चेक हो चुकी हैं, यानी कि कॉपियां पूरी तरीके से चेक हो चुकी हैं, उनका जो रिजल्ट है उनका रिजल्ट भी बहुत जल्द डिक्लेयर किया जाएगा। हो सकता है आपका 22-23 तारीख तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि ये जो कमिंग वीक है, इस कमिंग वीक में सभी, लगभग सभी कोर्सेज का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद में जो बच्चों के नए सत्र के रजिस्ट्रेशन चल रहे थे उसमें आपका जो 5 ईयर LLB है, तो 5 ईयर LLB के लिए भी अब पोर्टल ओपन हो गया है, यानी कि यदि आप BA LLB, BCOM LLB, BB LLB इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए भी पोर्टल ओपन हो चुका है। अब इससे आगे बात करें, जो बीएड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, बच्चे उसको लेकर भी काफी चिंतित हैं। तो बीएड की काउंसलिंग में जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है वो परेशान ना हो, जो फाइनल काउंसलिंग होती है, जो मॉपअप काउंसलिंग होती है, उसमें वो अपना एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके लिए वो परेशान ना हो। तो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट काउंसलिंग के जो रजिस्ट्रेशन है वो चल रहे हैं। काउंसलिंग में आपका ₹750 और आपका ₹5,000, ये आपका, यानी कि ₹5,750 जमा होते हैं, यानी कि आपको ऑनलाइन करने होते हैं, और इसके बाद में 45,000 फीस आपको और देनी है। मैंने इस पर कि आपका एडमिशन कितने में हो सकता है, 25,000 26,000 कितने फीस में हो सकता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।